चलिए एक्सरसाइज वन का क्वेश्चन नंबर थ्री। इसमें आपको दिया हुआ है एक एपी है जिसका nth टर्म है 1 बाय n और mth टर्म है tm इज 1 बाय n। इस एपी में आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि इसका फर्स्ट टर्म है a और कॉमन डिफरेंस है d, क्योंकि ये दिया नहीं हुआ है। तो आप अज्यूम करेंगे सबसे पहले फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस d। इस तरह के क्वेश्चन जहां पे भी आपको एपी दिया नहीं होता और कुछ टर्म्स दिए होते हैं तो आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अज्यूम करना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर थ्री इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग, आपको सिर्फ एक एपी दिया हुआ है और एपी में क्या पता है, टर्म नंबर एन जो है वो 1 बाय एम है और टर्म नंबर एम जो है वो 1 बाय एन है, इतनी सी इंफॉर्मेशन है। बट एपी इज ऑलवेज कैरेक्टराइज्ड बाय फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। तो ए और डी यहां नहीं दिया है इसलिए हम फर्स्ट टर्म को ए अज्यूम करेंगे और कॉमन डिफरेंस को डी, और उसके बाद हम ये दो इक्वेशंस को यूज करेंगे। तो टर्म नंबर एन आप कैसे लिखोगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टी एन आपने ऐसे लिखा और ये किसके बराबर है, 1 बाय एम के बराबर। तो ये आ गई आपकी पहली इक्वेशन, टी एन को आपने रिप्लेस कर दिया ए प्लस एन माइनस वन डी से। यहां पे आपने टी एम को रिप्लेस किया ए प्लस एम माइनस वन डी से। तो सेकंड इक्वेशन ये है अपने पास टी एम को हम लिख रहे हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1 बाय। तो ये दो इक्वेशन आ गई। अब आपको यहाँ पे दो चीजें कैलकुलेट करनी है, ए और डी। आप ऑब्जर्व करो, इसको आसानी से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें डी मिल जाएगा। तो हमने फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट किया, ए और ए कैंसिल हो गया। यहाँ पे अगर आप डी कॉमन लोगे तो ये माइनस वन भी कैंसिल होगा और ये आएगा n माइनस सॉरी ये आएगा यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी, यहाँ पे आएगा n माइनस एम इंटू डी, इस तरफ आ जाएगा n माइनस एम इंटू डी, n माइनस एम इंटू डी इज इक्वल टू 1 बाय एम माइनस 1 बाय एम। कैलकुलेट करो आप, a और ये कैंसिल हो गया, n माइनस एम डी इधर आ गया और इधर 1 माइनस एम बाय 1 माइनस एन, 1 बाय एम माइनस 1 बाय एन, एलसीएम हो जाएगा एम एन और न्यूमरेटर में आएगा n माइनस एम। और फिर इसके अगले स्टेप में आप लिख सकते हो n माइनस एम इंटू डी इज इक्वल टू n माइनस एम बाय एम एन, और फिर आप ऑब्जर्व करोगे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपको d की वैल्यू मिल जाएगी 1 बाय एम एन। तो अब आपका d आ गया, यहाँ पे d आपने कैलकुलेट कर लिया और d आ गया 1 बाय एम एन। अब आपको a कैलकुलेट करना है, d कैलकुलेट करने के बाद आपको a कैलकुलेट करना है। तो a फाइंड करने के लिए हम d या तो फर्स्ट में पुट करेंगे या सेकंड में पुट करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम सेकंड इक्वेशन में सॉरी फर्स्ट इक्वेशन में d की वैल्यू डालते हैं 1 बाय एम एन। तो अब आप लिखोगे इसको a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी हमने फाइंड किया है 1 बाय एम एन इज इक्वल टू 1 बाय एम। अब आप ये इसको ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 1 प्लस एन बाय एम एन माइनस 1 बाय एम एन इज इक्वल टू 1 बाय एम। अब यहाँ पे देखो n और n कैंसिल होगा, ये आएगा a प्लस 1 बाय एम माइनस 1 बाय एम एन इज इक्वल टू 1 बाय एम। 1 बाय एम दोनों तरफ कैंसिल होगा और a की वैल्यू भी आ जाएगी 1 बाय एम एन। तो a और d दोनों सेम आते हैं इसके इस क्वेश्चन में। तो अगर आप ऑब्जर्व करो इसको थोड़ा और डिटेल में, अगर आपको समझना है कि टी एन क्या हो रहा है, तो पहला टर्म इस सीरीज का है 1 अपॉन एम एन, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा 2 अपॉन एम एन, तीसरा टर्म क्या हो जाएगा 3 अपॉन एम एन, ऐसे चलता जाएगा ये बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज ऑल्सो एम एन। तो जब आप टर्म नंबर एन पे आओगे तो टर्म नंबर एन हो जाएगा एन बाय एम एन और टर्म नंबर एम हो जाएगा एम बाय एम एन। तो अब आप यहाँ पे देखते हो कि जब आप ये टर्म ले रहे हो तो ये एन और एन कैंसिल होता है तो टर्म नंबर एन आता है आपका 1 बाय एम जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और यहाँ पे एम और एन कैंसिल होगा तो ये आता है 1 बाय एम। तो ये सीरीज सिंपली है 1 बाय एम एन, 2 बाय एम एन, 3 बाय एम एन। तो एनथ टर्म में क्या हो जाएगा एन बाय एम एन, एन एन कैंसिल हो गया इक्वल टू 1 बाय एम आ गया। एमथ टर्म में क्या होगा एम बाय एम एन, फिर एम एम कैंसिल हो जाएगा 1 बाय एन आ जाएगा। तो यहाँ पे ए और डी दोनों की वैल्यू सेम आती है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट इज ए माइनस डी, तो सिंस ए एंड डी आर सेम आंसर शुड बी जीरो, तो वैल्यू ऑफ ए माइनस डी शुड बी जीरो।